हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं MG एडिट जोन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोग को ऑरेंज एंड ब्राउन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे पहले जाएंगे हम कलर पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू को हम +31 रखते हैं एंड टिंट की वैल्यू को भी यहाँ से हम इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसे भी हम 30 के आसपास रखेंगे, तो इसकी वैल्यू को हम +30 रखते हैं एंड वाइब्रेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो वाइब्रेंस की वैल्यू को हम +10 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रेड कलर की ह्यू की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, रेड कलर की ह्यू की वैल्यू को हम +40 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज कलर पे एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम डिक्रीज कर देंगे ताकि हमारी जो स्किन टोन है वो परफेक्ट लगे। ठीक है, तो इसे हम -28 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि और हमारी जो स्किन है वो ब्राइट लगे, तो इसे हम +10 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को हम -100 कर देंगे एंड इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस क्यों लेके जाएंगे। तो गाइस, इसे हम -74 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी यहाँ से हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम -21 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड यहाँ से इसकी भी ह्यू को हम -100 कर देंगे एंड इसकी भी सैचुरेशन को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम -70 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम -25 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन को हम -100 कर देंगे एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे एंड यहाँ से इसकी भी सैचुरेशन को -100 कर देंगे एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, इस फोटो की हम अब लाइट एडजस्ट करेंगे परफेक्ट टाइप से। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना होगा लाइट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को मैं डिक्रीज कर देता हूँ, तो इसे हम -0.50 रखते हैं एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम 7 रखते हैं एंड यहाँ से हाईलाइट की वैल्यू को भी डिक्रीज कर देंगे हम थोड़ा सा ताकि हमारी जो फोटो की लाइटिंग है वो ज़्यादा हाईलाइट ना हो। ठीक है, तो इसे हम -41 रखते हैं एंड यहाँ से शैडोज की वैल्यू को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, तो इसे हम -10 रखते हैं एंड यहाँ से वाइट्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसे हम +11 रखते हैं एंड यहाँ से ब्लैक्स की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो गाइस, ब्लैक्स की वैल्यू को हम -14 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेक्सचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो टेक्सचर की वैल्यू को हम 20 रखते हैं एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को हम 35 रखते हैं एंड DH की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम 10 रखते हैं एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, विनेट की वैल्यू को हम -35 रखते हैं एंड यहाँ से मिड पॉइंट की वैल्यू को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसे हम 40 रखते हैं एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है,
तो फेदर की वैल्यू को हम 75 रखते हैं। एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल पे इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो इसे हम ज़्यादा नहीं 20 रखते हैं। एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी हम इंक्रीज कर देंगे ताकि हमारा जो फोटो धुंधलापन है चाहे फट रही हो बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो इसे हम 20 रखते हैं। एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, इसकी वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ताकि हमारी जो फोटो है वो बिल्कुल स्मूथ लगे, ठीक है, तो इसे 10 रखते हैं। सो गाइस हमारी फ़ोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो ऐसी थी पहले एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइस अगर ये एडिटिंग आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।